दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊं जिसमें अगर आप 12th पास हो तो आप उसमें भाग ले सकते हो। ओके तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट का नाम है DSSSB रिक्रूटमेंट 2024। जी हाँ दोस्तों, ये हाल ही में निकाली गई वैकेंसी है जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। यहाँ पर हम बात करें पोस्ट नेम की, तो यहाँ पर आपको कई सारी पोस्ट निकाली गई है आपके लिए, जिसमें से पहली पोस्ट आती है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क, और यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड वन की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई है, टाइपिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं आपको इसको हिंदी में बताऊँ तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, वही सारा कुछ रहने वाला है, असिस्टेंट ग्रेड वन, जूनियर स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट, इनकी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। मैंने आपको गूगल ट्रांसलेट से बता दिया है। ओके, यहाँ पर हम इसकी वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ 2354 वैकेंसी यहाँ पर आपके लिए निकाली गई है। तो 2354 वैकेंसी काफ़ी अच्छे अमाउंट की यहाँ पर वैकेंसी आपके लिए निकाली जा रही है दिल्ली के इस बोर्ड के द्वारा, गवर्नमेंट बोर्ड के द्वारा। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर की है, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये बात सुनकर। इसके बाद हम बात कर लिया करते हैं एप्लीकेशन डेट्स की। तो एप्लीकेशन डेट्स की शुरुआत हो जाती है 9 जनवरी से और ये रहने वाली है 7 फरवरी 2024 तक। तो आप इसके लिए दोस्तों तैयार रहिएगा। ओके, जैसे ही इसकी डेट आती है, ठीक है, 9 जनवरी से 7 फरवरी तक आप इसमें आराम से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप उसको भर सकते हैं। बात कर लिया करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट या फिर स्टेनोग्राफर टेस्ट, ये आपका होगा इस पर रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आप पोस्ट सेलेक्ट करते हैं टाइपिस्ट की या फिर स्टेनोग्राफर की, तो वो आपके लिए रिकमेंडेटरी, मतलब मैंडेटरी है, वो आपको देना पड़ेंगे। इसके बाद में दोस्तों आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, इसके बेस पर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने यहाँ पर से स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट की जॉब का सिलेक्शन नहीं किया है, यानी कि इसकी पोस्ट आपको नहीं चाहिए, तो ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर टेस्ट है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करें तो दोस्तों आपकी दिल्ली के अंदर जॉब लगने वाली है, ये सुनकर तो आपको बिल्कुल मजे ही आ जाने चाहिए। और यहाँ पर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो आप जा सकते हैं दोस्तों dssb.delhi.gov.in पर। ओके, तो ये मैंने आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी बता दिया। अब दोस्तों हम बात कर लिया करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर हमारे को जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। ओके, तो जनरल कैटेगरी में से अगर आप आते हो तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। पर अगर आप SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जेम्प्शन, यानी छूट प्राप्त की जाएगी आपको, ठीक है, यानी कि मुक्त किया जाएगा, फीस आपकी नहीं लगेगी, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 12th पास अगर आप हो तो आप इसमें इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद में दोस्तों आती है दूसरी यहाँ पर क्वालिफिकेशन, अगर आप स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको वो वाली स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज लिमिट 18 है और मैक्सिमम 27 साल तक के भी चल जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर लिया करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, रिटर्न एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफर टेस्ट, पोस्ट के हिसाब से, इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात है आपसे अगली वीडियो में, तक गुड बाय एंड टेक केयर।